नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सोच 24 भरोसा सच का। खबर हैरान कर देने वाली सामने आ रही है औरैया के फफूंद से, जहां पर स्कूल में नहीं है शिक्षा, बच्चों को बाकायदा भेदभाव किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि कृपया करके ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाम लगाइए कि जिससे बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन यहाँ तो इस तरह का भेदभाव किया जाता है कि बच्चों पर अगर फीस जमा नहीं हो रही तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जनपद फपून में शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ किया जा रहा है भेदभाव। फीस जमा न होने पर जब्त किए स्कूल के सभी प्रशासन ने बच्चों के बैग जमा होने से शिक्षा से वंचित रहेंगे बच्चे। बिना बैग के कक्षा में बैठने से शर्म महसूस कर रहे हैं ये मासूम छोटे बच्चे। हाथों में लंच बॉक्स, पानी की बोतल लेकर पिछले 5 दिनों से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। फफूंद में संचालित अंग्रेजी माध्यम एक्सिस पब्लिक स्कूल का है ये मामला। ये तस्वीरें आपके सामने मेन स्क्रीन पर शो कर रही होगी। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ऐसे स्कूलों में सबसे ज़्यादा कड़ाई करना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसे स्कूल कदम और ना उठाएं और बच्चों को शिक्षा मिल सके, जिससे बच्चे अपने जीवन में कुछ कर सकें। लेकिन स्कूल प्राइवेट इस तरह का काम कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा तो नहीं मिल रही लेकिन फीस के नाम पर धन उगाही का काम कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सेवाकांत निशांत की रिपोर्ट औरैया। स्कूल जा रहे हो तो आपके बैग कहाँ हैं? जो ये बैग कर जमा कर लिए। क्यों? ये जमा नहीं थी। फिर जमा नहीं थी आपकी। अच्छा, और आप लोग खाली हाथ स्कूल जाते हो, कक्षा में बैठते हो तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती, क्या करते दिन भर? आपको कोई होमवर्क नहीं मिलता है? नहीं। पूरे बैग जमा है आपके? अच्छा, कितने दिन हो गए बैग जमा हुए? 5-6 दिन हो गए। के बच्चे जो स्कूल में हमने देखा खाली हाथ जा रहे हैं, तो इनके बैग कहाँ हैं? खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? फीस जमा होने के कारण लोग बच्चों के बैग रखे। क्या महीने की फीस जमा नहीं है आपकी? 3 महीने। क्यों जमा नहीं करी? थोड़ा काम स्लो चल रहा है, इसलिए घर में भी काम हो रहा है, परेशान है, थोड़े बाहर भी है, इसलिए बैग जमा कर। कितने दिन से बच्चे आपके जा रहे स्कूल? 5-6 दिन हो गए। तो पढ़ाई लिखाई क्या हो रही है बच्चों? कुछ नहीं हो रही। जब बैग मैम लोग दिए हैं, टीचर लोग जमा कर लिए हैं, इसलिए उन्होंने बैग रख लिए। बच्चे खाली हाथ जाते हैं, लंच बॉक्स सब खाली हाथ लेके जाते हैं। मेरे भैया के साथ स्कूल छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे दोबारे खड़े थे और हमने बच्चों को बैठा लिया। फिर मैडम ने भीतर गया, चपरासी बुलाया किसी ने, उसे मना गया बाबा से बच्चे कल से मत लाना, हमने ये ले आ। आखिर किस वजह से स्कूल विद्यालय ने इनके बैग रखवा लिए और कितने दिन से ये लोग बिना बैग के स्कूल जा रहे हैं? 8 दिन हो गए साहब स्कूल में। हमने जो कि चपरासी से हमने फीस नहीं पहुंची, 2-4 दिन बाद पहुंच जाएगी। हमने बच्चे बच्चा कोई स्कूल में था, कहीं रोकते हैं बच्चे, मास्टर कोई नहीं रोकते, बच्चों को स्कूल बच्चा दिया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, पैसे का फोन करते हैं, हम फिर इच्छा करती भाई कैसे पहुँचा दे 4 दिन में 8 दिन में 2 दिन में 15 दिन में। बच्चे रोकने के हमने कहीं बच्चे बस्ता जानने के सवाल होता है, बच्चे को हिस्ट्री निकालिए हमें, बच्चे बिना बस्तों की कापी किताब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हमने कही थी ये बात।